सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों आज इस एपिसोड में मैं आपको तैयार शर्ट का नाप लेके उसी नाप से शर्ट की कटिंग करना बताऊंगा कि कैसे नाप लें और कैसे उसकी साथ साथ कटिंग करें। तो ये दोनों चीजें मैं आपको साथ साथ बताऊंगा कि किस फार्मूले से हमने नाप लेना चाहिए तैयार शर्ट का और किस हिसाब से हमने उसकी कटिंग करनी चाहिए। दोस्तों एक खुशखबरी मैं आपको देना चाहता हूँ। काफी दिनों से हमारी प्लानिंग थी कि हम ऑनलाइन क्लासेस शुरू करें, तो अब हमारा एक फाइनल हो गया है, हम ऑनलाइन क्लासेस शुरू करेंगे। तो जिनको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, ऑनलाइन सीखना है, वो लोग 30 अप्रैल 2021 तक अपना रजिस्ट्रेशन व्हाट्सएप नंबर पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं 30 अप्रैल 2021 तक। उसके बाद मई में ऑनलाइन क्लासेस हम शुरू करेंगे। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। नाप लेना कि शर्ट का नाप हम कैसे लें, उसी हिसाब से हमने, क्योंकि एज इट इज जितनी जो साइज जहां से भी है हमने एज इट इज देना है, बराबर देना, इतना ही आना चाहिए हमारा सारा। तो ये अब इसका पेट कितना आया था, 35.5। मैं दोबारा फिर पेट का आपको बता देता हूं 35.5 क्यों आया। ये देखिए, ये हमने मुड्ढे का निशान लगाया, ये हमने पेट का निशान लगाया। 35.5 कैसे आया, ये 3 सूत यहां से दबा हुआ है, तो 3 सूत यहां से बाहर निकाल के और ये 2.25 इंच की लूजिंग आप निकाल दीजिए तो यहां से आपका चेस्ट का आ जाएगा। तो ये 9 से 1 सूत कम है, 9 से 1 सूत कम है, तो ये 9 चौक 36, अगर पूरा 9 होता तो 36 इंच इसका पेट होता, लेकिन 1 सूत कम है तो 0.5 इंच कम ये हो गया, क्योंकि 0.5 इंच 4 जगह प्लस होगा। ये फ्रंट की साइड 1 सूत, 1 सूत ये बैक की साइड और ये दूसरी साइड, ऐसे ही 2 सूत यहां से कम हो गया, ये फ्रंट और ये बैक, तो ये 4 सूत कम हो गया। तो ये पेट हो गया 36 की बजाय 35.5। अब इसका ये 36 का निशान लगा लें हम, 9.25 सूत, ये 9.5 37 के हिसाब से 9.25 सूत और 2.25 इंच की लूजिंग, ये हो गया हमारा। ऐसे ही पेट का हम लगा लें 35.5, 9 से 1 सूत कम, ये 9 से 1 सूत कम हो गया और 2.25 इंच की लूजिंग, ये हो गया पेट का। अब हम नीचे जो दामन होता है वो तकरीबन इसके बराबर रखते हैं, ये 13.5 है तो यहां से भी हम 13.5 पे निशान लगाएंगे, क्योंकि ये टाइट फिटिंग नहीं है। अगर ये देखिए टाइट फिटिंग हो तो हम ये 13.5 की बजाय 13 इंच पे निशान लगाते हैं और ये 2.25 इंच की बजाय 2 इंच की लूजिंग लेते हैं, यहां से भी 2 इंच की लूजिंग देते हैं, क्योंकि ये फॉर्मल शर्ट है, मीडियम लूज है, मीडियम शर्ट है, इसलिए हम जितना यहां से लिया है उतना ही हम यहां से लेंगे। अब ये 13.5 निशान लगा लिया। अब ये हम ये जो हमारी कम शेप की पट्टी है, क्योंकि पेट में और चेस्ट में ज्यादा फर्क नहीं है, तो अगर थोड़ा ज्यादा फर्क हो तो हम इस साइड को यूज करेंगे, अगर कम फर्क हो तो हम ये इस साइड को यूज करेंगे। तो ये इस साइड से हम ये निशान लगा लेते हैं, ये देखिए बिल्कुल निशान पे आएगा, ये बिल्कुल निशान पे आएगा। अब ये निशान लगा देता हूं मैं, ये देखिए बिल्कुल निशान पे आया है। ये साइड और ये साइड देखना बहुत जरूरी है। अब इसका देखिए तीरा, ये हमारा पेट का भी निशान हो गया, दामन का भी निशान हो गया और ये चेस्ट का भी निशान हो गया। अब हमने देखना है तीरा। अब तीरा हम कैसे नापें, देखिए हम ये इस तीरे का सेंटर करते हैं, ये ज्यादा चौड़ा तीरा लगाया हुआ उसने, तो ये करीब देखिए, वैसे तो हम 3.5 काटते हैं, लेकिन आपको तीरा इतना ही लगाना है, तो इतना ही लगाना है, तो फिर वो बैक में मैं बताऊंगा कि इतना चौड़ा तीरा हम कैसे लगाएंगे। अब ये तीरा इसने तैयार चौड़ा लगाया हुआ है, 4.25 तैयार है, 4.25 तैयार है, तो ये कटा हुआ कितना है, 3 सूत इधर से, 3 सूत इधर से, 0.25 इंच, यानी ये 5.5 इंच कटा हुआ है यहां से, 5.5 इंच कटा हुआ है
और आप यहां का देख लीजिए, ये जो हाला है, हाला जहां तक हमारा ये कटेगा, यहां से आप देख लीजिए, यहां से 5.5 कटा है और यहां से ये देख लीजिए, ये आपका 6.25 है और 0.25 यहां से 7 कटा है, यहां से 5.5, यहां से 7, ये तीरा है, ये तीरे का हिसाब है। आप यहां से तैयार जितना चौड़ा तीरा है उसको तैयार नाप लीजिए, यानी 0.25 तैयार है तो ये 0.25 तीन सूत इधर से दब रहा है, तीन सूत इधर से दब रहा है, 0.25 इसमें और प्लस कर दीजिए तो ये 0.5 और 0.5 यहां से 5.5 है और यहां से ये देखिए ये 6.25 तैयार है, यहां से ये 6.25 तैयार है, ये आपको नजर आ रहा होगा 6.25 तैयार है, इसमें 0.5 और प्लस करेंगे तो ये 7 इंच हो जाएगा, यानी यहां से 5.5 और यहां से 7, ये हमने एज इट इज तीरा लगाना है। अब तीरे की लंबाई हम कहां से लेंगे, ये ज्यादा चौड़ा है, इसको हम पहले देखिए, आप एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिए, ये तीरा जितना मर्जी चौड़ा हो इसका सेंटर नहीं करना हमने, हमने क्या करना है, हमने 3 इंच के हिसाब से, ये चाहे 6 इंच चौड़ा हो, हमने यहां से 3 इंच पे निशान लगाना है, ये 3 इंच, ये 3 इंच पे निशान हो गया और इसका सेंटर करेंगे हम 1.5 इंच, ये हमारा तीरा है, ये तीरा है। प्रेस भी जब आप करेंगे तो देखिए ये प्रेस में भी इसी निशान पर बैठी हुई है, यहां से हमने इसके तीरे की लंबाई नापनी है कि ये तीरा कितना है, ये देख एक एक्चुअल तीरा इसका देखना हमने कितना है। अब ये तैयार है, बिल्कुल ये तैयार कितना है, ये देखिए खींचना नहीं है, ना तो इंची टेप को खींचना है ना इसको खींचना है, सिर्फ ऐसे साफ रखना है। अगर आपने खींच दिया कहीं ये ज्यादा एक आध सूत ज्यादा खींच गया तो आपका पूरा मेजरमेंट गड़बड़ा जाएगा, गलत हो जाएगा, तो आपको खींचना नहीं है, ये साफ रखना है। और ये देखिए अब ये कितना है, 18.5 इंच इसका तीरा, 18.5 इंच है, तीन सूत यहां से दबा हुआ है, तीन सूत यहां से दबा हुआ है, तो हम 18.5 हमने तैयार रखना है, लेकिन दबाव इसका हम अलग से जैसे शर्ट में लेते आए, तो ये तीरा इसका हो गया 18.5, तो ये हम लिख लेते हैं यहां पे तीरा 18.5, ये इसका तीरा हो गया। अब यहां 18.5 के हिसाब से हमने ये निशान लगाने हैं। अब ये कितना हो गया, 18.5 प्लस 0.5 इंच, क्योंकि 18.5 तो तैयार है, तो ये कितना हो गया 19.25, 9.5 से 1 सूत ज्यादा हो गया, ये हम 9.5 से 1 सूत ज्यादा पे ये निशान लगा लेंगे। और यहां से ये देखिए, अब हमने ये जो तख्ती, ये जो होता है, ये जो सामने का हिस्सा होता है मुड्डे का, ये इसको तख्ती बोलते हैं, ये तख्ती कितनी है, हमने ये भी, क्योंकि यहां से भी तो हमने एज इट इज बराबर देना है, तो हम ये तख्ती मुड्डे और इसके लंबाई के, जहां का ये हमने लंबाई का निशान लिया था, यहां से सेंटर कितना है ये फिर उसी हिसाब से देख लीजिए, ये 9.25 है, ये 9.25 है। अब 9.25 का हाफ कितना हो गया, 4.5 एक सूत, तो ये 4.5 एक सूत पे ये हम एक निशान लगाएंगे तख्ती का, ये हमारा तख्ती का निशान है, यहां से ये हमारी तख्ती उतना ही आना चाहिए जितनी इसमें तैयार है। अब इसको हम ये यहां से नापेंगे तख्ती को, ये तख्ती है 9 से 1 सूत ज्यादा और 3 सूत दबा हुआ, यानी ये तख्ती हमारी 9.5, ये तख्ती हमारी 9.5 है, तो ये तख्ती हमने 9.5 ही रखना है, 9.5 ही तख्ती रखनी है, क्योंकि सेम रखनी है हमने, एक सूत भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, ये 9.5 हमने तख्ती रखनी है। तो हम इसका सेंटर करके, ये हमने इसका सेंटर कर लिया 4.5 एक सूत, ये हमने इसका सेंटर कर लिया। आप इसके सेंटर का भी निशान लगा लीजिए, ये सेंटर का निशान हो गया। अब यहां से हमने देखिए, ये जो 0.5 इंच हम पीछे लेते हैं फिनिशिंग के लिए, वो हम नहीं लेंगे,
हम ये तख्ती का निशान लेंगे, जितनी हमारी ये तख्ती है उतनी हमने तैयार देनी है। अब ये 9:30 पे हमने यहाँ पे निशान लगाना है, ये 9:30 हमारा दबाव समेत है। अब हमने ये जो निशान और इस निशान को जहां भी बैठता है वहीं पे निशान लगाना है। ये देखिए ये हमारा निशान हो गया। अब ये यहां से ये 300 दब के एक्यूरेट बिल्कुल बराबर इसके बराबर तख्ती आएगी, जितनी ये है उतनी ये आएगी 300 ये दब के। ये हमारा मुड्डे का निशान हो गया। अब हम ये भी देखेंगे कि ये कितना गिरा हुआ है, अब यहां से कितना गिराया है इसने, इसको कंधे को यहां से कितना गिराया है। अब इसको हम कैसे देखेंगे, इसको हम ये देखेंगे कि ये हमारा 9:15 का यहां से पूरा 9:15 है ये निशान लगाना बहुत जरूरी है। अब देखिए आपको यहां से पता लगेगा कि कितना गिरा हुआ है, ये 9:15 है और ये 300 यहां से दबा हुआ है, ये 300 आप बढ़ा लीजिए, ये देखिए ये है 7.5 और 300 यानी 8 से 1 सूत कम, 8 से 1 सूत कम हो गया ये हमारा। तो ये हम इस निशान से 8 से 1 सूत कम ये लेंगे, ये हमारा निशान है। तो इन्होंने मुड्ढा कितना गिराया हुआ है ये आप देख लीजिए, ये देखिए इसने 1.5 इंच मुड्ढा गिराया हुआ है, हमने 1.5 ही गिराना है, हम अपने हिसाब को भूल जाएंगे क्योंकि हमने एज इट इज ये शर्ट देनी है। तो हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे, ये 1.5 इंच इसने कंधा गिराया हुआ है तो 1.5 इंच पे ही हम ये निशान लगाएंगे। अब पहले इसका कॉलर का हम निशान लगा लेते हैं। अब कॉलर का ये इसका कितना कॉलर है ये देखिए, यहां से नाप लीजिए कॉलर, सिर्फ कॉलर नापना है, ये तो तल पर चढ़ने वाली 0.5 इंच होती है, ये हमने इसका गला नापना है। इसका गला है ये देखिए, गला है इसका 15 इंच, इसका 15 इंच गला है, ये मैं लिख लेता हूं गला 15, ये 15 इंच इसका गला है। अब 15 के हिसाब से कितना आया, 15 का 5वां हिस्सा कितना हो गया 3 इंच, ये 3 इंच पे हमने ये निशान लगा लिया और 3 इंच ये इधर निशान लगा लिया और ये हमारा गला हो गया। यहां से हमने 1.5 इंच ये गिराना है, ये हमारा एक्चुअल जो जो शर्ट है एज इट इज ये हमारी मार्किंग होगी। अब इसको हम ये निशान हमने हमारा होना चाहिए, अब ये ऊपर ये अगर ये जाता है ये बाहर निकलता है तो यहां से बेसक बाहर निकल जाए उसमें और अच्छी आई। ये हमने ये 2 सूत ये बाहर निकल गया क्योंकि सेफ पट्टी के हिसाब से हमने ये निशान लगाया। ये हमारा इसका मुड्ढा हो गया, ये देखिए ये हमारा मुड्ढा हो गया, ये हमारा मुड्ढा हो गया इसका फ्रंट। आपकी समझ में आ गया मेरे ख्याल से तो आ गया होगा क्योंकि बिल्कुल बारीकी से और आराम से मैंने समझाया है। ये इसका हो गया फ्रंट। अब इसकी बैक, अब इसकी देखिए बैक कैसे काटेंगे, हम बैक का कैसे अंदाजा लगाएंगे कि ये कितना है। तो हम ये जो हमारी जहां से बैक जुड़ी हुई है यहां से लेके और यहां तक तैयार कितना है ये, उसमें हम 0.5 इंच जोड़ देंगे दबाव का। अब ये तैयार कितना है, ये तैयार है हमारा 22 यानी 11। इसमें हम 3-3 सूत इधर उधर जोड़े तो ये 0.25 हो गया, 0.25 का मतलब ये है 11.5 1 सूत। तो ये हम बैक का निशान लगाएंगे 11.5 1 सूत पे, ये 11.5 1 सूत। ये इसने बैक सामने से कितनी कम काटी हुई है ये देख लीजिए, अब ये 0.5 इंच इसने सामने से बैक कम काटी है। हमारा जो फॉर्मूला है वो 0.25 इंच का है लेकिन इसने 0.5 इंच बैक कम काटी है।
ये जो बैक है इसका सबसे आसान तरीका ये है नापने का कि कितनी कटी है। इसमें पेट का हिसाब लगाना जरूरी नहीं है क्योंकि जो जितनी कम यहां से है उतनी पेट से भी कम है। अब बैक को हम कैसे नापेंगे कि इस जोड़ से इस जोड़ तक टोटल आप नाप लीजिए कितनी है, यह है 22। 22 में 3 सूत इधर दबा हुआ है, 3 सूत इधर दबा हुआ है, यानी 23। 23 का इसको हम डबल फोल्ड करेंगे तो 23 का हाफ कितना हो गया, 11.25 एक सूत। अब ये हम यहां से 11.25 एक सूत पे हम निशान लेंगे, ये 11.25 एक सूत पे हमने निशान लिया तो ये बैक कम हुई आधा इंच कम। हम 0.25 बैक कम करते हैं, ये आधा इंच कम होगी। अब मैं इसको इसका निशान इसी सामने पे ही बैक का निशान लगा देता हूं सीधा, ये आधा इंच कम पे ये मैं ये बैक का निशान लगा रहा हूं। ये देखिए ये बैक का निशान है। आप इस पे कंफ्यूज नहीं होना, ये पट्टी का निशान है सामने का, ये बैक का निशान मैंने आधा इंच कम पे लगाया है। अब इस पे हम तीरा देखिए, ये तीरा इसमें 5.5 और 7, ये मैंने आपको दिखाया था 5.5 और 7 ये इसने तीरा लगाया हुआ है। तो हम पहले मैं आपको इसके हिसाब से निशान लगाऊंगा बैक का, ये जितना गिरा हुआ है वहीं पे हमने ये सीधा निशान लगाना है बैक का, तीरे का, बैक में तीरे का ये हमारा ये निशान हो गया। यहां से हमारी बैक कटेगी, यहां से बैक कटेगी, लेकिन ये 3.5 है, ये 3.5 है, हमने लेना है 5.5। तो हम क्या करेंगे, हम इसको कितना नीचे लेके जाएंगे, इसमें हमने 3.5 इंच का तीरा, 3.5x5 का तीरा लगाना है इस निशान पे, लेकिन ये 5.5x7 है, 5.5x7 है, तो ये हमने बैक हमारी कितनी नीचे उतरेगी, ये सीधी इसने बैक को 2.25 इंच नीचे, ये बैक का निशान है इसका। यहां से ये भी मैं निशान लगा देता हूं, ये मैं बैक के निशान लगा रहा हूं, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए। यहां इसने सामने से यहां इस निशान की बजाय, समझिए आराम से समझिए, मैं बिल्कुल आराम से बता रहा हूं, ये बैक का निशान है, ये बैक का निशान है, या मैं अलग से काट के, आपकी समझ में शायद नहीं आएगा, मैं अलग से बैक, मैं यहां से थोड़ा सा सामना काट देता हूं और फिर अलग से बैक आपको काट के बताऊंगा। दोस्तों आज सिर्फ इतना ही, बाकी बचा हुआ भाग मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा।